नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज अपन बनाने वाले हैं लाइट बिस्किट कलर, जिसके लिए मुझे चार स्टेनर लगेगी। पहली हो गई आपकी येलो ऑक्साइड, फिर रेड ऑक्साइड और फास्ट ग्रीन, और चौथी लगेगी अपनी फास्ट ब्लैक। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर अपना एशियन पेंट का एस इमल्शन लिया है, उसके अंदर अपन फास्ट ये जितने भी स्टेनर ये सब मिलाएंगे और लाइट बिस्किट कलर बनाने की ट्राई करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह का कलर बनता है और कैसे बनता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज एक खुशखबरी भी है, अपने चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का लाड़ प्यार है जो इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो देखिए वीडियो में, आप मैंने चारों स्टेनर ले ली हैं, येलो ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड, फास्ट ब्लैक और फास्ट ग्रीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सी अपन ले लेंगे वाइट पेंट, और कलर डालते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किस तरह का डालना है। जैसे अभी मैं एक गलती करूँगा इसमें, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे मैं अब इसमें डाली मैंने फास्ट अपनी येलो ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने थोड़ी सी डाली है रेड ऑक्साइड, मेन चीज़ जो होती है क्वांटिटी, किस तरह से क्वांटिटी का डालना है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी अंदाजे से डाली है, तो आप देखना कलर अभी पूरा अलग बनेगा। फिर अब उसको ही मैं वापस लाइट बिस्किट के अंदर लेके आ जाऊँगा। ये देखिए, बहुत कम मैंने फास्ट ब्लैक डाली है, और ये आ गई आपकी फास्ट ग्रीन। तो बहुत ध्यान से जब भी आप कलर बनाओ तो बहुत ही ध्यान से बनाना है। स्टेनर का जो माप होता है उसको भी याद रखना है, कितनी स्टेनर डाली है। तो मैं सिर्फ सैंपल बना रहा हूँ, अगर आप बकेट में बना रहे हो 10 लीटर 20 लीटर, तो उसमें आपको साइज़ का माप का बहुत ध्यान रखना है, कितनी पहले डाली थी, फिर वापस अगर कलर बनाते हो तो कितनी डालनी है। जैसे मैंने अभी ये देखिए स्टेनर डाली है, तो ये कलर पूरा अलग ही बन गया है, डार्क बन गया एकदम। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर मैं आपको लाइट बिस्किट कलर बनाऊँगा, आप देखते रहिए। ये देखिए पूरा डार्क कलर हो गया, कहीं से कहीं तक लाइट बिस्किट नहीं लग रहा है ये। तो अपन अब इसको लाइट बिस्किट बनाएंगे। एक कागज़ और ले लेता हूँ मैं, और इसमें लेंगे वापस वाइट, दूसरे कागज़ पे बना के बताऊँगा मैं आपको। एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कैसे तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने वाइट ले लिया है, और ये देखिए कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। अभी तो और चेंज होगा, ये दूसरे कागज पर बनाकर बताता हूँ मैं आपको। एग्जैक्ट आपका जो लाइट बिस्किट कलर आता है वो बनके तैयार होगा, ये लास्ट में देखना आप। ये देखिए आने लग गया शेड जो अपने को चाहिए था वो। अगर आप अभी भी इसमें और लाइट करना चाहते हो, तो आप वाइट और ज़्यादा मिलाएंगे तो आपका कलर लाइट हो जाएगा। अब इसके बाद आपके ऊपर है कि आप किस तरह का शेड चाहते हो, वो आपके ऊपर बन जाएगा कलर आप जो बनाना चाहते हो। बाकी एक बार जो लाइट अपना जो लाइट बिस्किट है, और हाँ, कैमरे में जो दिख रहा है और रियलिटी में जो कलर है उसमें भी डिफरेंस आता है। आपको अभी जो जिस तरह का कलर दिख रहा है वो रियलिटी में बनने के बाद कुछ अलग दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे आपको लाइट बिस्किट अगर नहीं दिख रहा है, तो रियलिटी में ये लाइट बिस्किट कलर ही है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा वाइट और मिलाया था, ये परफेक्ट जो आपका शेड था वो आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप भी कलर बना सकते हो घर पर बैठे हुए आसानी से। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।